हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड और दूध से 10 मिनट में बनने वाली मटका कुल्फी। मटका कुल्फी बनाने के लिए मिक्सी के जार में 6 से 7 बादाम, 6 से 7 काजू और थोड़े से पिस्ता डालेंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 कप चीनी यानी 5 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। पीस कर ये बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब लेंगे 4 ब्रेड स्लाइस, इनके कॉर्नर को कट कर लेंगे। अब इसके छोटे पीस करके जो हमने चीनी और ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था उसमें इस ब्रेड को डाल देंगे। और साथ में ही 1 कप दूध डालेंगे। इसमें आप फुल क्रीम या टोंड दूध भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें फुल क्रीम दूध डाला है। दूध को उबालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके डालेंगे और सारे को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप दूध और डालकर दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध भी डाला है, इसको मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था। टोटल दूध इसमें 1.5 कप डाला है। इसे क्रीमी बनाने के लिए 5 चम्मच मलाई डालेंगे। मलाई 2-3 दिन पहले की ही होनी चाहिए। अगर मलाई ना हो तो 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद इसे 2 मिनट ही चलाना है। इसे पल्स मोड पर ही चलाएंगे, यानी एक बार ही चलाया और बंद किया। ऐसा करने से मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएगी। लगातार चलाने से मलाई का मक्खन भी निकल सकता है। अब सब चीजें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। अब इसे हम जमाएंगे। इसे आप कुल्हड़ में, कांच के गिलास, पेपर मोल्ड या कुल्फी मोल्ड में भी जमा सकते हैं। इसको अब रखेंगे फ्रीज करने के लिए फ्रीजर में। इसके ऊपर आइस क्रिस्टल ना आए तो इसको सिल्वर फॉइल से कवर करके रखेंगे। देखा आपने, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, ना दूध उबालना पड़ा ना गैस जलाना पड़ा। यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह कवर करके 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए मटका कुल्फी को फ्रीजर में रखेंगे। 8 घंटे के बाद मैंने कुल्फी को निकाल लिया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम के साथ। लीजिए, तैयार है क्रीमी डिलीशियस मटका कुल्फी। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें।